जालौन के कालपी कोतवाली क्षेत्र में मामूली विवाद में दबंगों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग में एक युवक के पैर में गोली लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जहां युवक को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल में रेफर कर दिया, जहां हालत नाजुक होने पर डॉक्टर ने उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। मामला कालपी कोतवाली क्षेत्र के मगरौल गाँव का है, जहाँ के निवासी राजपाल की गाँव के ही कुछ युवकों से कहा सुनी हो गई, जिससे वह गुस्साए दबंगों ने युवक पर फायरिंग कर दी, जिससे एक गोली राजपाल के पैर में जा लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। युवक को परिजनों ने इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल में रेफर कर दिया है, जहाँ हालत नाजुक होने पर डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया। मामले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह ने बताया कि युवक का झांसी में उपचार चल रहा है, तहरीर मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं वो खोज ली, अभी कुछ भी नहीं कहा सकता, अपर इसे ही बताए थे। इसके बाद उन्होंने रिफर कहा, या मैंने ही कहा रिफर तो करना ही था केस को, और वो रिफर। अच्छा, ये सर कितने समय का मामला है? 9:35 पर। अच्छा, मेरी एंट्री हुई थी 9:40 पर, मैंने रिफर कर दिया केस। अच्छा, ये समय घाव काफी तेज थे? नहीं, ज्यादा घाव तेज नहीं था। अच्छा, सर ये कहाँ रेफर किया गया है? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उदाई अथवा कानपुर हायर सेंटर। अच्छा, सर मंगरौल गांव में एक गनशॉट का प्रकरण सामने आया, क्या है पूरा मामला और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? ये राजपाल प्रजापति करीब 45 साल का है, उसी गांव का। करीब 8:30 घटना है, तो इसके पिंडली में गोली लगने की बात बताया है। अभी इसका इलाज फिर रात को PHC से हो रही आया था, और अभी झांसी रिफर हो गया है। अभी इन्होंने कोई तहरीर नहीं दिया है, और जो तहरीर देंगे तो समुचित जांच करेंगे और जो निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे। सर पीड़ित का आरोप है कि रंगदारी मांगने का मामला था। हमने बात की है, ये इसके कुछ विवाद की बात आई है, लेकिन उसमें पुलिस ने 116 दिन की कार्रवाई किया है, और आपस में और कुछ इनसे विवाद चाचा से भी आ रही है, पंचायत की बात है। हम सारे तथ्यों की तस्दीक करेंगे, वो क्या उससे क्या है मतलब, और जो समुचित होगा मेडिकल रिपोर्ट आ जाने दीजिए, उनकी FIR लिखवा जाने दीजिए, हम तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर समुचित कार्रवाई करेंगे। जालौन से मनोज शिवहरे की रिपोर्ट, UP 24 न्यूज़।